सो हे गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। और मैं हूं मन यादव और आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमन ब्लॉग्स एट फोर। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो आज मैं काश्मीरी गेट से INA मेट्रो स्टेशन पर उतरूंगा। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप दिल्ली में कहीं भी सफ़र करना चाहें तो बस या फिर मेट्रो पकड़ें, टैक्सी भूल से भी ना पकड़ें, क्योंकि टैक्सी वालों का ना प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप मेट्रो से सफ़र कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो मेरा ओनली 30 रुपीज़ खर्च हुआ है और मैं काश्मीरी गेट से INA पहुँच गया। कभी कभी क्या होता है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं मेट्रो स्टेशन में कि किधर से हमें एग्जिट होना है, यानी निकलना है बाहर। तो अगर आपको नहीं पता है तो बूथ कैंप वहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे पता कर लो। नहीं तो बोर्ड वहाँ पे जो ब्लू कलर का बोर्ड होता है वहाँ पे लिखा होता है एग्जिट गेट नंबर 2 या 1, और उसके अकॉर्डिंग एक लाइन बनी होती है, या ब्लू लाइन होगी या येलो लाइन होगी, ऐसे कुछ होता है उसी में। तो आप निकलने का यही एक सही तरीका है और यही एक उपाय है। ओ भाई, बड़ा मुश्किल से एग्जिट गेट नंबर 2 से निकल रहे हैं बाहर। और यहीं तो यहाँ पे एक मुश्किल है कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से हमें एग्जिट होना है, तो थोड़ा टफ होता है। और अगर आप कहीं भी ऐसा लगे आपको तो आप यहाँ पे जगह जगह पे बूट लगे हुए हैं कैंप, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं या आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है। और भाई अब मैं एग्जिट दे देता हूँ यहाँ पूरा, मेरी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अब यहीं से मैं टैक्सी पकड़ूँगा और सीधा कोटला मुबारकपुर के लिए निकलूँगा। मेरे ओनली 30 रुपीज़ खर्च हुए हैं और मैं काश्मीरी गेट से दिल्ली INA तक आया हूँ ओनली 30 रुपीज़ में।